गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखो लेसन नंबर 3, लेसन नंबर 4, नाना के घर मजे मजे। इसका हमें क्या सीखना है, उसका हमें क्या सीखना है, वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। देखो आपके पास ये वर्कशीट भी होगी, है ना, ये वर्कशीट है आपके पास, वो ओपन करो, है ना, वचन की वर्कशीट है, देखो वो आपके पास है, वो ओपन करो। देखो एक वचन और अनेक वचन, है ना, देखो जैसे चंदा एक, सूरज एक, तारे अनेक, है ना, वैसे ही देखो एक, जिस शब्द से एक या अनेक होने का पता चलता है उसको क्या कहते हैं, देखो जिस रूप से संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। और वचन के प्रकार कौन से हैं, एक वचन और अनेक वचन। वचन के प्रकार कौन से हैं, एक वचन और अनेक वचन। एक वचन और अनेक वचन। देखो जैसे अभी देखो यहां मेज, एक वचन क्या है, मेज, मेज का अर्थ टेबल, है ना, मेज। अभी ये ज में क्या आया है, ये जो ज दिखाई दिया है उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, आप फर्स्ट सेकंड में सीखे हैं, उसमें क्या आया है, ओ आया है, है ना, ओ आया है, इसलिए इसका अनेक वचन कैसे होगा, मे जे, क्या होगा, मे जे, ए में होगा, मे जे, यहाँ अ आया है उसका क्या होगा, मे जे। अभी देखो यहाँ ती त ली क्या आ गई है, ती त ली। अभी ये देखो ल है, क्या है, ल, आधा ल उसका, उसको दूसरी की मात्रा, है ना, आधा ल उसको दूसरी की मात्रा, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, ली, क्या है, ली। तो उसका एक वचन क्या होगा, ती त ली, क्या हो गई, पहले की मात्रा। अभी इसका अनेक वचन कैसे होगा, तितलिया, क्या होगा, तितलिया, ये ल को, ल की जो दूसरी की मात्रा है वो क्या होगी, पहली की मात्रा, और वहां क्या लगेगा, चंद्रबिंदु, यहाँ को क्या लगेगा, चंद्रबिंदु, मेज, मेजे, तितली, तितलियाँ। अभी देखो माला, मा ला, माला। अभी इसका अनेक वचन कैसे होगा, ल को कौन सी मात्रा है, ये ल को, आधे ल को कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा, मा ला, मा ला। फिर इसका अनेक वचन कैसे होगा, मा ला ए, क्या होगा, मा ला ए, अनेक वचन क्या होगा, माला ए। देखो ध्यान में रखो, जब लास्ट का जो अक्षर होता है, है ना, उसमें अ होगा, है ना, लास्ट के अक्षर में अ, अ स्वर होगा, तो उसका, उसको क्या लगेगी, ए की मात्रा और अनुस्वार लगेगी, ये हमें ध्यान में रखना है। और जिसके लास्ट अक्षर में दूसरी की मात्रा, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, ली, तो उसको क्या आएगा, ल को पहली की मात्रा आएगी और या के ऊपर तितली या चंद्रबिंदु आएगा। देखो माला, हाँ, उसको ल को आ की मात्रा होगी, है ना, स्वर उसका आ होगा, तो क्या होगी, मा ला ए, क्या होगा, मा ला ए। अभी देखो वस्तु, वस्तु, है ना, देखो धातु, है ना, अभी आप फोर्थ में हैं, इतने इतने देखो इतने कठिन आपको नहीं होंगे, लेकिन आप इतना तो ध्यान में रखो कि जहाँ अ का स्वर आएगा वहाँ एक, एक ही मात्रा और अनुस्वर आएगा, जहाँ ई का स्वर आएगा वहाँ पहली ई की मात्रा और या उस पर चंद्रबिंदु, जहाँ आ की मात्रा देखो आएगी, आ स्वर आएगा वहाँ ए लगेगा और ऊपर चंद्रबिंदु, ये आप ध्यान में रखो। हाँ, उसके बाद ये आप नोटबुक में लिख लो, है ना, ये सब है जो आप आपके नोटबुक में लिख लो। हुआ, उसके बाद आपके वर्कशीट में देखो,
आपके वर्कशीट में देखो किताब है ना, अभी आप ही बताओ किताब को क्या आएगा, अभी किताब ये हो गया आप सबका, अभी किताब पहला शब्द क्या है किताब, ब में क्या आता है, ब अक्षर में क्या छिपा है, कौन सा स्वर छिपा है, आधा ब अधिक अ है ना, फिर क्या आएगा अनेकवचन उसका क्या आएगा, अभी हम सीखे हैं तो किता किताबे क्या आएगा किताबे हाँ। उसके बाद दूसरा शब्द कौन सा है लड़की, दूसरा शब्द कौन सा है लड़की, यहां क्या है दूसरी की मात्रा, उसकी फोड़ कैसी होती है क को दूसरी की मात्रा, तो इसका अनेकवचन कैसे होगा, कहां जाएगी ये मात्रा पहली लड़की या लड़की या हाँ। उसके बाद दूसरा शब्द बेटा क्या आया बेटा, क्या है टामे क्या है, कौन सा स्वर छिपा है टामे आ, तो अनेकवचन कैसे होगा बेटे बेटे। उसके बाद तीन का काकी फोड़ कैसी है आधा क अधिक, कौन सा स्वर उसमें छिपा है आ, तो अनेकवचन क्या होगा तीन के, समझ रहे हैं आप सब। उसके बाद पैसा, उसके बाद पैसा सामे कौन सा स्वर छिपा है आ, कौन सा स्वर छिपा है आ, तो क्या आएगा पैसे, अनुस्वार भूलना नहीं है हाँ पैसे। उसके बाद कहानी, कहानी क्या आ गई यहाँ दूसरी की मात्रा हाँ, कौन सा स्वर है ई, तो क्या हो गया कहानियाँ, क्या आएगा कहानियाँ। वर्कशीट के वर्ड्स हमारे पूरे हो गए और आप समझ गए क्या वचन एक वचन और अनेक वचन। अभी देखो आपके टेक्स्ट बुक ओपन करो, आपके टेक्स्ट बुक में देखो पेज नंबर 31 में काव्या, अभी आप थर्ड में थे तभी आपको ऐसे इजी शब्द देते थे है ना, अभी आप फोर्थ में गए हैं तो आपको एक वचन और अनेक वचन क्या करना पड़ेगा, आपको सेंटेंस में चेंज करना पड़ेगा है ना। तो देखो वहाँ आपको स्वाध्याय में क्या दिया है एक वचन और वचन क्या बदल कर वाक्य दोबारा लिखिए। काव्या पेड़ों से आम तोड़ रही है, देखो जिसका वचन बदलना है वो शब्द ब्लू अक्षर में ब्लू कलर में दिया है ना, तो काव्या पेड़ों से आम तोड़ती है, तो पेड़ों से ये क्या है अनेक वचन है, तो पेड़ों का एक वचन क्या होगा पेड़, तो सेंटेंस हम कैसे लिखेंगे काव्या, पहला सेंटेंस पेड़ों से तो क्या होगा पेड़ से, काव्या पेड़ से, काव्या पेड़ से आम तोड़ती है, काव्या पेड़ से आम तोड़ती है। उसके बाद देखो पेड़ों से इसका वचन बदल कर क्या हो गया पेड़, दूसरा सेंटेंस बच्चों ने नाना जी को टॉफी दी, बच्चों ने नाना जी को टॉफी दी, अभी टॉफी देखो ब्लू अक्षर में दिया है उसको क्या करना है बदलना है, टॉफी ये क्या है एक वचन उसका हमें क्या करना है अनेक वचन, बच्चों ने नाना जी को
बच्चों ने नाना जी को टॉफियां दी, है ना। टॉफी का अनेकवचन क्या हो गया? टॉफियां। तीसरा, बच्चों ने कचौड़ी खाई। बच्चों ने कचौड़ी खाई, है ना, ऐसे दिया है। तो क्या होगा, कचौड़ी का क्या करना है हमें? अनेकवचन करना है। कचौड़ी का क्या करना है हमें? अनेकवचन। बच्चों ने कचौड़ियाँ खाई, बच्चों ने कचौड़ियाँ खाई। चौथा, मोर ने पंख फैलाए और नाचने लगा। मोर ये ब्लू अक्षर में दिया है, तो मोर का अनेकवचन क्या आएगा वहां? मोरों ने पंख फैलाए और नाचने लगे। मोरों ने पंख फैलाए और नाचने लगे। मोर का क्या हो गया अनेकवचन? मोरों ने पंख फैलाए और नाचने लगे। देखो वचन की हमारी वर्कशीट भी पूरी हो गई, और देखो हमारा जो 31 पेज पर जो ग्रामर दिया था स्वाध्याय में, वो भी कंप्लीट हो गया। अभी देखो नीचे हमें इस पाठ के आधारित, है ना, नाना नानी के हमने कहानी सुनाई, सब सुनी सब, है ना। देखो काव्या गाँव को गई थी और नाना नानी के पास, देखो उन्हें उसको बहुत मजे आए। फिर उसने आकर क्या किया, अपने सब मित्र मंडली को कहा कि मैंने नाना के घर में क्या क्या मजे किए। तो हमें वैसे ही 5-6 सेंटेंस, हम भी जब नाना नानी के घर में जाते हैं और क्या क्या मजे करते हैं, वो हमें 5-6 सेंटेंस में लिखना है, है ना, आपको अपने नोटबुक में, है ना। क्या लिखना है, देखो नाना नानी के घर में जाकर हम क्या क्या करते हैं, है ना, देखो वो 5-6 सेंटेंस में आपको लिखना है। बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू।